बताया कि वर्चुअल देखिए ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा, उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर का इलाहाब हिंदुस्तान के साथ हुआ वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, वो इलाहाब तब हुआ जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, जो बड़े ही सेक्युलर थे, बड़े ही डेमोक्रेटिक थे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते थे, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि हम आपका तशख्स बरकरार रखेंगे, आप बेशक एक हिंदू हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को, मुसलमान पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हमारे साथ आ रहे हैं, मगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से हम आपका तशख्स बरकरार रखेंगे और आपको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। तो इन शर्तों पे कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े से लेकर छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है, यानी उनको बंदूक के बलबूते पे चलाते हैं, जोर जबरदस्ती चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी और उससे पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हुआ ही है, पूरे मुल्क को भी नुकसान होगी, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी, और जो पार जो तालिबान है उनको भी मैं कहूँगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी जो मरकजी सरकार है दिल्ली में, वो जो हमारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ के अफगानिस्तान में, उनको बासही सलामत वापस लाने का कोई रास्ता निकालेगी, और साथ ही तालिबान उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। नहीं, एजेंडा तो वहाँ बैठ के तय करेंगे हम, वैसे वो